दो चींटियां थीं। एक चींटी शक्कर के ढेर में रहा करती थी और एक चींटी नमक के ढेर में रहा करती थी। दोनों सगी बहन थीं। दोनों सगी बहन थीं। एक चींटी नमक के ढेर में रहती थी, नमक खाती थी, और एक शक्कर के ढेर में। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी नमक खाने वाली चींटी के घर चली गई, चलो अपनी बहन से मिलके आऊं। तो शक्कर खाने वाली चींटी जब नमक खाने वाली चींटी के घर पे गई तो नमक वाली चींटी से मिलके बड़ा गले मिली, दुलार हुआ, हालचाल पूछा। नमक वाली ने, बहन कैसी हो? शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन बहुत अच्छी हो, भगवान का दिया सब कुछ है, सुखी हूं, सब ठीक ठाक चल रहा है, भगवान बढ़िया खाने को देते हैं, बढ़िया खाती हूं मैं, शक्कर खाती हूं। अच्छा, नमक वाली चींटी जानती ही नहीं थी शक्कर क्या होती है, क्योंकि उसने कभी खाया नहीं, वो तो नमक खाती थी। तो नमक वाली चींटी ने शक्कर खाने वाली चींटी को परोसा, क्या नमक परोसा, उसके पास नमक था, नमक परोसा, बहन खाओ हम तो ये खाते हैं। और जब शक्कर वाली चींटी ने नमक खाया, वो मीठा खाती थी और नमक खारा खारा, थू 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 थू, पर उसने बोला कुछ नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, कोई हलवा पूड़ी खाता है, कोई बासी रोटी खाता है। तो बासी रोटी खाने वाले को देख के हमें हंसना तो नहीं चाहिए कि तुम बासी रोटी खाते हो, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, हंसना नहीं चाहिए। तो शक्कर वाली चींटी बड़ी समझदार थी, उसने कुछ बोला नहीं और उसने अपनी बहन को निमंत्रण दिया, बहन कभी हमारे घर आओ। एक दिन नमक वाली चींटी ने प्लान बनाया कि चलो हम अपनी बहन से मिलने जाते हैं। पर नमक वाली चींटी बड़ी होशियार थी, उसको लगा यदि हम अपनी बहन से मिलने गए, उसने कहा था हम शक्कर खाते हैं, पता नहीं वो शक्कर जाने कैसी होती होगी, हमारे नमक से अच्छी होती है कि नहीं, पता नहीं हमें अच्छी लगती है कि नहीं। एक काम करो, अपना थोड़ा सा नमक लेके ही चलो, भूख लगी तो खा सकते हैं। तो नमक वाली चींटी जब गई तो अपने मुंह में नमक का ढेला दबा के ले गई, यहां किनारे पे, यहां दबा लिया, नमक लेकर गई। और शक्कर खाने वाली चींटी के पास पहुंच गई, शक्कर वाली ने गले लगाया, बहन कैसी हो, बड़े दिनों में आई हो, बैठो, सब हालचाल अच्छा, सब कुशल मंगल, जरा बैठो। पानी पिलाया, अब परोस दिया शक्कर, ले बहन शक्कर खाओ। अब वो नमक वाली चींटी जो थी उसके मुंह में एक्चुअली नमक का ढेला ऑलरेडी पहले से था, तो नमक होने के कारण वो खा तो शक्कर रही थी पर उसके मुंह में नमक होने से शक्कर भी खारी हो जा रही थी। क्योंकि शक्कर खाने के पहले आप जरा मुंह में नमक रख लीजिए और शक्कर को नमक के साथ मिला के खाएंगे तो शक्कर का स्वाद कम आएगा, नमक का स्वाद ज्यादा आएगा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके मुख में नमक था और वो शक्कर खाए, 10 मिनट से शक्कर खा रही थी। तो शक्कर वाली चींटी ने पूछ लिया, बहन ये बताओ शक्कर कैसी लगी? तो नमक वाली ने कहा, बहन कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज लगती थी वैसी लग रही है। अब शक्कर वाली ने कहा, राम राम, ये शक्कर के ढेर पे बैठ के कुछ गड़बड़ है, बहन अपना मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो उसके मुंह में इतना बड़ा नमक का ढेला, अरे इसे गिरा, उसे हटाया, और जब हटा करके शक्कर खाया तो वो नमक वाली तो नमक भूल के शक्कर की दीवानी बन गई। वाह, इतनी बढ़िया, हमने तो पहली बार खाई है, कभी खाया नहीं, तुम इतना बढ़िया खाती हो बताया नहीं। शक्कर वाली ने कहा, 10 मिनट से तुम खा रही थी लेकिन तुम्हारे मुंह में नमक था। उसी तरह वो नमक वाली चींटी और कोई नहीं है, हम सभी वो नमक की चींटियां। आप लोग बैठे हैं शक्कर के ढेर में, जो कथा सुन रहे हैं आप लोग, जो वृंदावन धाम में बैठे हैं आप लोग, ये शक्कर का ढेर है। शक्कर के ढेर में बैठकर आप खा तो शक्कर रहे हैं लेकिन शक्कर का स्वाद नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके मुंह में ऑलरेडी पहले से नमक दबा है। ये नमक क्या है?
बेटा बेटी की मोह ममता, धन दौलत पद प्रतिष्ठा की तुम्हारी ये जो मोह ममता है ना बेटी, ठीक हो वो ठीक है, तुम ठीक रहो यहां। हां सब कुशल है वहां, तुम अपना ध्यान रखो। ये जो तुम्हारा नमक का ढेला मुंह में तुमने इतना बड़ा दवा रखा है ना, इसे हटा दो। यदि ये नमक का ढेला तुम्हारी मोह ममता, तेरा मेरा, ये तेरा ये मेरा, अरे वृंदावन में आए हो, केवल भगवान पर मन लगाओ, केवल बिहारी जी के चरणों का चिंतन करो, घर में बैठ के भी बिहारी जी के चरणों का चिंतन करो। हाँ, और आप जो घर में बैठ के सुन रहे हैं, आप लोग भी जो नमक का ढेला रखे हैं, ये तेरा ये मेरा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा, ये सब हटा दो। और एक बात याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर शक्कर का स्वाद मिलेगा। ये नमक का ढेला गिरा दो जल्दी से, भूल जाओ सब कुछ, याद ना रखो। पर विडंबना ऐसी है कि बुढ़ापे में भगवान थोड़ा थोड़ा सब भुलाने लगते हैं तो आदमी चमनप्रास खाना शुरू कर देता है। अरे भगवान चाह रहे हैं कि तुम सब भूल जाओ, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खिसकने लगा थोड़ा थोड़ा। बुढ़ापे में आदमी खिसक जाता है, भगवान कहते हैं कि तुम इसलिए खिसका देते हैं भगवान, ताकि तुम्हारे मन से बेटा बेटी की मोह ममता निकल जाए। लेकिन आदमी और चमनप्रास खा खा के और अटैच होता जाता, मेरा बेटा मेरी बेटी छोड़ता नहीं है। जितना ज्यादा आदमी उम्र में बढ़ता जाता, मैंने सुना है, मेरा अनुभव है, जीवन का रिसर्च है मेरी, कि आदमी की आयु जितनी बढ़ती है वह मोह माया में उतना ही उलझता जाता है। क्या ये सही है? हाँ या ना? आप ना जितना बूढ़े होते जाएंगे, आप अपनी बेटी मेरा बेटा मेरा ना, बेटा भले लात मार रहा हो लेकिन मेरा बेटा मेरा नाती मेरा पोता, भले वो लतिया रहा हो लेकिन मेरा पोता मेरा नाती, ये बुढ़ापे में ना ये आदमी यही तो सठियाना है। लातें पड़ रही हैं वहां से, अपमान हो रहा, फिर भी मेरा मेरा, अरे ये मेरे नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जो तुम्हारा है उसे अपना कहते नहीं हो, जो तुम्हारे हैं नहीं उनके पीछे मरे जा रहे हो। ये तुम्हारा नहीं है, कब समझोगे? इतनी सी बात ही समझाने के लिए मैंने ये चींटी का दृष्टांत दिया।